नमस्कार बच्चों, मैं विनोद कुमार सिंह, संत जोसेफ स्कूल किटाड़ी। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.2 का पहला सवाल। ठीक है, देखिए पहला सवाल कह रहा है कि सरल कीजिए और उत्तर को घातांक के रूप में लिखिए। ठीक है, तो पहला सवाल आपका है 7^2 गुणे 7^4 गुणे 7^8। ठीक है, देखिए तीनों का आधार एक ही है और हम बताए थे कि जब गुणा है तो पावर को यानी घात को जोड़ते हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 7 और इसको हम जोड़ देंगे 2 4 2 6 6 8 14। ठीक है, यह आपका आंसर हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, अगर आधार एक जैसा है और पावर है उसको हम लोग जोड़ देंगे पावर को और आधार को एक ही लिख देंगे। ठीक है, इसी का दूसरा जो सवाल है 3^10 भागे 3^6 है। ठीक है, तो क्या होगा कि गुणा था तो पावर को हम जोड़े थे, भागा है तो पावर को घटा देंगे, ये नियम कहता है। तो अब देखिए बेस देखिए है तो 3 कर देंगे और 10 में से 6 को घटा देंगे, यानी कि 3^10 में 6 घटेगा 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहेंगे तो इसको हम देखिए अगर हल करना आंसर लाना था कितना आएगा तो इसको हम 7^14 है ना, तो 7 14 बार लिख करके 3 4 बार ये सब लिख करके हम क्या करते गुणा कर सकते थे तो हमारा आंसर हो सकता था, लेकिन हमको घातांक के रूप में व्यक्त करना है तो इस टाइप का बनेगा। ठीक है, इसी का देखिए सवाल नंबर 4 बना रहे हैं। ठीक है, 3 तो बन जाएगा, 4 थोड़ा सा अलग है, आप लोग कहेंगे कैसे बनेगा, तो 5^x है और गुणे 5^2 है। देखिए दोनों का आधार एक ही है तो हम लिख देंगे और इसको हम जोड़ देंगे तो x+2 जो ऐसे जोड़ेंगे, क्योंकि ये जो है चर राशि है और ये जो है अचर राशि है। अगर दोनों चर राशि होता तो हम जोड़ देते, दोनों अचर राशि होता तो जोड़ देते, एक चर है और एक अचर है तो उसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में, इसमें और सवाल हैं आप लोग उसको करिएगा। अब हम सवाल नंबर 2 बना रहे हैं। ठीक है, 2 देखिए इसको भी कह रहा है कि सरल कीजिए और घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए, उत्तर को लिखिए। ठीक है, तो इसका जो पहला सवाल है 2^3 गुणे 3^4 गुणे 4 ठीक है बटे 3^2 गुणे 32 है। देखिए इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं, चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं, 4 से 32 कटा देंगे, 3^2 है और 3^4 है, देखिए 3 है, 3^4 है तो 2 कट जाएगा तो 3^2 बच जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको हम विस्तार से बता रहे हैं ताकि आप लोग समझ जाएंगे। सबसे पहले करेंगे 2^3 है तो 2 × 2 × 2 ठीक है, 3^4 है तो 3 × 3 × 3 × 3 × 4 ठीक है बटे 3 × 3 × 32। आपका उसको हल में खंड भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए ये तीन से कट गया। ठीक है, कट गया 4 / 32 भी कट गया, बचा 8। अब देखिए 2 × 2 × 2 × 3 × 3 / 2 बचा है 8, तो 8 को हम लोग तोड़ दे रहे हैं, क्या 2 × 2 × 2 8 हो गया। ठीक है, जूम कटा देंगे 1 2 3 तो 1 2 3 बचा कितना 3^2 यानी कि ये आपका घातांकीय रूप हो जाएगा। कर है ना उत्तर को घातांक के रूप में उत्तर को लिखना है तो पहले हम हल किए उसके बाद जो आंसर हमारा आया है 3 × 3 है इसको हम घातांक के रूप में लिख दिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। अब देखिए इसी का एक दूसरा सवाल है, इसको मिटा दे रहे हैं आप लोग उसको लिख लीजिएगा। इसी का देखिए दूसरा सवाल है, वो कह रहा है दूसरा तो आप लोग बनाइएगा, यहाँ बना दे रहे हैं थोड़ा सा अलग है, बड़ा कोष्ठ है फिर छोटा कोष्ठ है, 5^3^2 गुणे 5^3 बंद भागे 5^6। देखिए जब ये दो कोष्ठ आएंगे, ये होता है बड़ा कोष्ठ, ये होता है छोटा कोष्ठ, एक आता है मझोला कोष्ठ। देखिए हम तीनों कोष्ठ पहले समझा दे रहे हैं क्या है, बड़ा कोष्ठ, मझोला कोष्ठ और छोटा कोष्ठ। अगर किसी सवाल में तीनों दिया रहेगा तो सबसे पहले हम छोटे कोष्ठ को हल करते हैं, उसके बाद मझोले कोष्ठ को और लास्ट में बड़े कोष्ठ को।
ठीक है। तो यहाँ तो मझोला कोष्ठ नहीं दिया है, तो छोटा कोष्ठ दिया है, तो हम पहले छोटा कोष्ठ हल करेंगे, ठीक है। चलिए हल करते हैं, बराबर बड़ा कोष्ठ 10 का 10, ये देखिए 5 के पावर 3 है और उसके पावर 2 है, तो 3 दुनी ये पावर अपने में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो 5 के पावर 3 दुनी 6 हो जाएगा, हो जाएगा गुणे 5 के पावर 3 हो जाएगा, बंद भागे इधर है 5 के पावर 6। देखिए यहाँ से यहाँ तक गुणा है और यहाँ क्या है, भागा है, तो 5 के पावर 6 गुणे 5 के पावर 3 बंद, तोड़ दिया छुटको, 5 के पावर 6 हो गया। अब गुणा में पावर को जोड़ा जाता है, गुणा में पावर को जोड़ा जाता है कब, जब बेस एक ही हो तब। देखिए इन दोनों का बेस एक ही है, तो हम क्या कर सकते हैं, 5 के पावर 6 और 3 9 हो जाएगा, क्योंकि हम जोड़ दिए। अब देखिए भागे है 5 के पावर 6, यहाँ गुणा था अब ये भागा हो गया, तो दोनों का बेस एक ही है, तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे, तो 5 के पावर 9 में से 6 घटेगा 5 के पावर 3, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए कितना हम स्टेप बाय स्टेप बताए हैं, ये गुणा था तो पावर को जोड़े हैं, फिर भागा आ गया तो पावर को हम क्या कर दिए, घटा दिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज समझ में, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आएगा, तो बस आज के लिए इतना ही, ठीक है, धन्यवाद।